सो लो एवरीवान वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल दिस इज शिवानी केसवानी और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मतलब कॉन्स्टेंटली आप लोग एक ही कॉमेंट किए जा रहे हो कि एस बी आई पी ओ का रिजल्ट कब आएगा अब बहुत सारी एनजाइटी है बच्चों में कि पता नहीं रिज़ल्ट कब आएगा आएगा भी या नहीं आएगा और अगर आएगा तो हमें प्रिलिम्स के लिए कितना टाइम मिलेगा अब ये क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपको जैसे आपने अभी ट्रेंड देख रहे हो आई बी पी एस पी ओ का प्रिलिम्स का रिजल्ट मेन्स के दस दिन पहले आया और बच्चों को टाइम ही नहीं मिला प्रपरेशन करने का मतलब एक्चुअल प्रपरेशन जो हम हमेशा रिज़ल्ट आने के बाद या नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करते हैं वो वाला टाइम हमें नहीं मिल पाया तो उसी वजह से ये एनजाइटी बनी हुई है और बनना इसका बिल्कुल मतलब जायज़ भी है आ, हमारे टाइम पे जब हम प्रेपरेशन करते थे तो हम भी इसी तरीके का नोशन लेके चलते थे कि जब रिज़ल्ट आएगा या जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद हम फुल फ्लैज वाली प्रपेशन करेंगे अभी तो जितनी चल रही है चल रही है तो यही चीज़ सब में होती है और आज तक ये चीज़ चलती आई है आ, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है पहले मतलब जब हम प्रेपरेशन करते थे तो हमें इतनी तो सर्टेनिटी होती थी कि आ, रिजल्ट के बाद या आ, जो प्रिलिम जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हमें इतना टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा इतने दिन तो हमें मिलेंगे और हम बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर लेंगे लेकिन क्योंकि अब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बन गई है तो बहुत अजीब लगता है ये सोचते हुए भी कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पहले जो पचास साठ दिन मिलते थे नोटिफिकेशन के बाद प्रिलिम्स की तैयारी करने के लिए अब वो कहीं तीस दिन ना हो जाए या कहीं उससे भी कम ना हो जाए ऐसे कई सारे मैसेजेस मेरे पास आए कि प्लीज़ थोड़ी थोड़ी सी क्लैरिटी अगर मैम आप दे पाएं तो हमें दीजिए तो इस पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी मैं आपको सच बता रही हूँ एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट वाली चीज़ बता रही हूँ मैं आपको जो आप में से मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं ठीक है इसमें से नाइन्टी परसेंट लोग यही हैं जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि हम फुल फ्लेजेड मतलब बारह घंटे वाली पढ़ाई शुरू कर देंगे और अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और सिर्फ दस परसेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिमाग में टारगेट ले लिया है कि एग्ज़ाम जो होगा प्रीलिम्स का वो दिसंबर एंड या जनवरी मिड में या जनवरी एंड में जो भी टारगेट लिया है उस टाइम पे हो जाएगा और तब के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा ठीक है उन्होंने अपना बिल्कुल प्रेपरेशन शुरू भी कर दी है मैंने पूरे वीडियोस डाल रखे हैं मैंने एस बी का वीडियो डाल दिया है मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एस बी को क्लियर किया था बहुत अच्छे नंबर्स से मैंने मेंस में कैसे तीस प्लस नंबर मार्जिन लिया कट ऑफ के आगे तो वो सारी चीज़ें मैंने कैसे की उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो कर भी रहे हैं और डेली क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि अच्छा मैम इस पर आ गए अब इसको कैसे हैंडल करें तो आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए आज नहीं तो कल रिज़ल्ट आपका नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा नो no डाउट ऐसा नहीं होने वाला है कि नोटिफिकेशन ही ना आए क्योंकि आपको पता है अभी एस के चेयरमैन साहब ने बोला था कि हम इतनी ज़्यादा भर्तियाँ निकालने वाले हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं अच्छे से प्रपरेशन कीजिए और बात मेरी मानिए जो प्रेपरेशन आपकी नोटिफिकेशन से पहले वाली होती है वो नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं होती है उसके बाद एनजाइटी होती है उसके बाद YouTube में चारों तरफ बहुत सारी क्लासेस uh, स्टार्ट हो जाती हैं फिर हमें लगता है कि कौन सी क्लास करें ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है सारी चीज़ें एकदम मतलब इतना ओवरवेलमिंग लगेगा ना आपको कि आप सोचोगे कि काश मैंने नोटिफिकेशन आने से पहले कुछ सब्जेक्ट्स अपने रेडी कर लिए होते तो वो काश ना आए इसलिए आज अच्छे से प्रेपरेशन शुरू कर लो आप ठीक है और बिल्कुल भी ये मत सोचो मैं मैं जानती हूँ ये पर्सनली कि ये बार बार इस पर ध्यान जाता ही है कि नोटिफिकेशन कब आएगा लेकिन एक बार के लिए अपने मन को एक टारगेट दे दो मैं ही आपको टारगेट दे देती हूँ आप वो उस टारगेट पे आग बन करके भरोसा कर लो वो होगा नहीं होगा देखो हमारे टाइम पे जब नो, नो, नोटिफिकेशन आता था उसके पहले बहुत सारे लोग वीडियोस डालते थे कि इस बार इस आ, इस डेट पे आ जाएगा नोटिफिकेशन तब आ जाएगा तब आ जाएगा एक्चुअल में नोटिफिकेशन को जब आना होता है तभी आता है है ना उससे पहले नहीं आता है तो वो सारे जो आते हैं ना इतने सारे लोग वीडियो बनाते हैं वो सब वेस्ट हो जाता है लेकिन उससे बच्चों को एक डायरेक्शन मिलता है एक होप मिलती है कि ठीक है इस तारीख को प्रल्लेम्स आ जाएगा तो उस हिसाब से बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते तो कुछ बच्चे जो उसको टारगेट मान के तैयारी शुरू कर लेते हैं उनका फ़ायदा हो जाता है इसलिए अपना भी फ़ायदा कराओ और इतना मान के चलो कि आपका अगर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है तो दिसंबर स्टार्टिंग में आ जाएगा तो भी आपका ना कहते कहते भी जनवरी मिड या एंड तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए प्रीलिम्स तो उस हिसाब से अपना पूरा प्लान बनाओ मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है एस बी क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आएगा नो वरीज जिनका प्रीलिम्स मेंस दोनों जिनको प्रिपेयर करना है उनके लिए भी मैंने वीडियो डाल दिया है और जिनको सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करनी है मतलब ऐसे भी कई सारे बच्चे थे जिनकी प्रिलिम्स की ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रखी है तो वो मेन्स की स्पेसिफिकली प्रेपरेशन कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल दिया अच्छे से प्रेपरेशन करो और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो बाकी सारी चीज़ों पर मत डालो दिमाग इतना अच्छे से प्रेपरेशन करो मैं जानती हूँ ये बोलना बहुत आसान होता है कि यार बाकी चीज़ों को छोड़ दो उतना ही मुश्किल होता है एक्चुअल में करना बट मेरी बात मानो उस पर सोचने से कुछ नहीं जा रहा है कुछ नहीं होने वाला है आपका मैं जानती हूँ इतनी एनर्जी लग जाती है ये सोचने में पता नहीं नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा हर वक्त जब हम पढ़ने बैठते हैं तो यही सोचते हैं कि पता नहीं नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा मेरी प्रिपरेशन वेस्ट ना हो जाए कुछ वेस्ट नहीं होगा यार कुछ भी वेस्ट नहीं होगा सब कुछ आपके काम आने वाला है अच्छे से प्रेपरेशन करो ऑल द वेरी बेस्ट और जो भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ पूरी पूरी मैं हेल्प करूँगी कि आपके वो डाउट्स निकालने की कोशिश करूँ ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेट टेक केयर बाय बाय